इस वीडियो में मैं आपको 34 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी, जिसमें फ्रंट और बैक दोनों साइड बॉटनेक गला रहेगा। इस ब्लाउज में बैक साइड ओपन रहेगी और फ्रंट में फ्रॉक कॉलर नेक बनाएंगे। इसके लिए मैंने 80 सेंटीमीटर ब्लाउज पीस लिया है। पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो कपड़े को टू फोल्ड करके उल्टा बिछा लिया है। कपड़े को बराबर करने के लिए एक सीधी लाइन खींचेंगे। बैक पार्ट की लेंथ 13 इंच रखनी है, तो उसमें 1 इंच मार्जिन का रखना है और 14 इंच पे निशान लगा के सीधी लाइन खींच लेनी है। बैक साइड ओपन करने के लिए हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना होता है हुकाई की पट्टी के लिए, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लेंगे और लाइन खींच लेंगे सीधी। अब हमें इसी लाइन से बाकी मेजरमेंट लेने हैं, तो यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे 7.5 इंच, आर्महोल की लेंथ 7 इंच रखेंगे और चेस्ट का फोर्थ पार्ट आ जाएगा हमारा 8.5 इंच, उसमें 2 इंच हम मार्जिन का प्लस करेंगे, तो 10.5 इंच में निशान लगा लेंगे। कमर के लिए हमें 10.5 में से 1/2 इंच लेस करना है, तो हमें 10 इंच पे निशान लगा लेना है और इसको मिला देना है तिरछी लाइन को। अब यहाँ पे हम शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करेंगे। और बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए कपड़े को डिजाइन के अकॉर्डिंग रखेंगे। इसमें कैरी की डिजाइन है, तो कैरी का मुंह ऊपर की साइड आना चाहिए, इसीलिए हमें इसके अलग से कटिंग करनी पड़ेगी। कपड़े को सीधा बराबर कर लेंगे सीधी लाइन खींच के, 4 इंच नेक के लिए लगाएंगे, 7.5 इंच शोल्डर और आर्महोल की लेंथ आ जाएगी 7 इंच, चेस्ट का फोर्थ पार्ट आ जाएगा प्लस उसमें 2 इंच ऐड करेंगे, तो 10.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। आर्महोल को 1/2 इंच डीप करेंगे। नेक की विड्थ और लेंथ के लिए 4 इंच का बॉक्स बनाएंगे और उसमें 1 इंच पे बॉट नेक की शेप दे देंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट की लेंथ बैक पार्ट से 1 इंच ज़्यादा रखनी है, तो हमने बैक पार्ट में 14 इंच रखा था, तो यहाँ पे हमें 1 इंच प्लस करना है और 15 इंच पे मार्क कर लेना है। सीधी लाइन खींच लेंगे, 10 इंच पे निशान लगाएंगे, 4.25 इंच पे लगाएंगे, और नीचे भी हमें 4.25 इंच पे निशान लगाना है और इसे सीधा मिला देना है। हल्की सी गोलाई देते हुए इसे पिंसेट कट शेप दे देंगे। डेढ़ इंच पे निशान लगाएंगे, 2 इंच ऊपर निशान लगाएंगे, दो इंच तक इसे सीधा मिला लेंगे और फिर हल्की सी गोलाई देते हुए इसे ऊपर 10 इंच पे मिलाएंगे। कमर के लिए मार्किंग करेंगे, तो उस पर पहले 10 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया, 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे। ऊपर 1/2 इंच आर्महोल को बढ़ा लेंगे, नीचे से 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे, यहाँ से इसे तिरछा मिला देंगे, दोनों निशानों को मिला देना है। 1/2 इंच शोल्डर डाउन करने हैं और अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है।
प्रिंसेस कट पार्ट की कटिंग जैसे मैंने की वैसे ही करनी है। और जो हम इसमें ये 1.5 इंच वाला निकालेंगे इसको अलग रख देना है, ये हमारे सिलाई में काम नहीं आएगा। स्लीव्स के लिए बाकी बचे हुए कपड़े को फोर फोल्ड कर लेंगे। एक सीधी लाइन खींच के कपड़े को बराबर कर लेंगे। स्लीव्स की लेंथ रहेगी इसमें 6 इंच, 2 इंच इसमें मार्जिन का, तो हम 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर से 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है, सीधी लाइन खींच लेंगे। आर्मोल साइड से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और वहाँ से गोलाई देना शुरू करेंगे। फ्रंट के लिए 1/2 इंच डीप गोलाई देंगे और इसे कट कर लेंगे। स्लीव्स का कपड़ा कम है इसीलिए हमें आगे इसमें जॉइंट करना पड़ेगा, ये तो हम यहाँ से इसको अलग कर लेंगे। ऊपर के 2 हिस्से लेते हुए फ्रंट के लिए डीप कटिंग कर लेंगे।